हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर्क एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एसएससी एमटीएस 8 मई 2023 का जो शिफ्ट 2 का पेपर है, ये यहां पर गलती से लिखा गया है, ये आपका शिफ्ट 2 का पेपर है, जो आपका शिफ्ट 2 का पेपर है उसके सॉल्यूशन जो कि रीजनिंग सेक्शन के सॉल्यूशन है वो डिस्कस करूँगा। इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आप जो है बार बार इनको देखिए, इससे आपको जो है आने वाले एग्जाम में काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं आज की शिफ्ट के जो 8 मई की सेकंड शिफ्ट है ये आपकी, उसके सॉल्यूशन रीजनिंग के। सबसे पहला क्वेश्चन है कोडिंग पे बेस्ड। एक कोड लैंग्वेज में HEG को 840 लिखा जाता, JFT को 720 लिखा जाता, सेम लैंग्वेज में JDK को क्या लिखा जाएगा? देखिए, जो नंबर दिख रहा है वो आपको काफ़ी बड़ा नंबर दिख रहा है, 840 और 720, इसका मतलब कुछ मल्टीप्लिकेशन हुआ नंबर्स के बीच, तभी यह बड़ा नंबर आएगा। तो देखते हैं ध्यान से, H की जो प्लेस वैल्यू वो होती है 8, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है और G की प्लेस वैल्यू आपकी 7 होती है। तीनों को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 5 या 40, और 40 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 280 आता है, और 280 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका 840 मिलेगा। यानी हमने क्या किया है, जो अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू है उनको आपस में मल्टीप्लाई किया है, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया। सेम लॉजिक चेक करते हैं, क्या नेक्स्ट पे भी सेम लॉजिक लग रहा है? अगर सेम लॉजिक नेक्स्ट पे लगेगा तो हमारा जो है लॉजिक बिल्कुल सही होगा। JFD, J की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 10, F की 6 और D की 4, तो ये 60 मल्टीप्लाई बाई 4 आपका आया 240। 240 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका था 720, तो आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। तो सेम लॉजिक के आधार पर JDK की वैल्यू क्या आएगी ये देखते हैं। J की प्लेस वैल्यू आपकी जो होती है 10, फिर D की 4 और K की 11, मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है 440, और 440 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 आता हमारा, ये ऑप्शन 2 में दिया गया। तो काफ़ी जो है आपका अलग लॉजिक था, ये कोडिंग बेस्ड नंबर्स की जो लेटर्स हैं जो उनके प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया है, फिर उस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नंबर एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, 435 से आया है 87, 285 से सेम लॉजिक पर क्या आएगा? अगर 437 को जो है सॉरी 435 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो हमें 87 मिलेगा। सेम लॉजिक पर 285 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो आपका 57 आएगा, और ये ऑप्शन वन में आपका दिया गया है। तो ये सिंपल 5 से डिवीजन बेस्ड जो है लॉजिक था। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनालॉजी का ही क्वेश्चन है लेकिन वर्ड एनालॉजी पर बेस्ड है। वोट और पावर का जो रिलेशन है वही ओम का रिलेशन किसके साथ होगा? देखिए, जो वोट होती है वो पावर को मेजर करने की यूनिट होती है, ऐसे ही ओम जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, और ऑप्शन वन आपका करेक्ट होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, एक कोड लैंग्वेज में रीडर को लिखा गया है UHG DHU, सेम लैंग्वेज में सेम लॉजिक पर बेस्ड जो है सीनियर को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले अगर हम रीडर के जो लेटर्स हैं उनको रिवर्स करते हैं तो हमारा आएगा RED AER। अब हम देखते हैं कि R में प्लस 3 करते हैं, E में प्लस 3 करते हैं, R में प्लस 3 करेंगे आपका आएगा U, फिर H आएगा E में प्लस 3 करके, D में प्लस 3 करके आपका आएगा G, A में प्लस 3 D आएगा, और E में प्लस 3 आपका फिर से H आएगा, R में प्लस 3 U आएगा। तो आपकी ये कोडिंग सेम दी गई है यहाँ पर। तो लॉजिक क्या रहा है हमारा यहाँ पर, सबसे पहले जो लेटर्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है, फिर हर एक लेटर में प्लस 3 किया जाता है। सेम लॉजिक पर देखते हैं सीनियर को, सीनियर में देखिए लेटर्स को रिवर्स करके लिखते हैं, RONES, R में प्लस 3 करेंगे U आएगा, O में प्लस 3 आपका R आएगा, I में प्लस 3 L आएगा, N में प्लस 3 Q आएगा, और E में प्लस 3 H आएगा, S में प्लस 3 V आएगा। तो आपका URLQHV ऑप्शन 4 में ये आपका दिया गया है। लॉजिक था आपका, सबसे पहले ऑर्डर रिवर्स करना है लेटर्स का, फिर आपको जो है प्लस 3 करना है हर एक लेटर में। नेक्स्ट आपका सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड है, और ये सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है। 6 फ्रेंड हैं, पवन कांता ऋषभ शुभम मयंक और विक्रम, ये एक टेबल पर बैठे हुए हैं जो कि सर्कुलर टेबल है, फेस है उनके सेंटर की तरफ। तो
तो ये छह लोगों को हम पहले बैठा लेते हैं। ये आपके छह लोग हो गए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन में पवन इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विक्रम, ये मान लिया विक्रम है तो पवन उसके इमीडिएट लेफ्ट में है। ओके, फिर नेक्स्ट आपका ऋषभ इज फोर्थ टू द राइट ऑफ पवन, पवन के राइट में जो ऋषभ है वो फोर्थ है, 1 2 3 4th, ये आपका ऋषभ हो जाएगा। ओके, फिर आपका ओनली मयंक सीट्स बिटवीन पवन एंड ऋषभ, पवन और ऋषभ के बीच में सिर्फ मयंक, तो ये उनके बीच में पोजीशन हो गई। शुभम डज नॉट सीट एडजेसेंट टू विक्रम, विक्रम के साथ में शुभम नहीं बैठेगा, तो उसकी पोजीशन कौन सी होगी, ये आपकी शुभम की पोजीशन हो गई। फिर बचा हुआ मेंबर जो है वो कौन बचा है, वो बचा है आपका कांता, और कांता की पोजीशन जो है एक ही पोजीशन बची है, ये आपका कांता की पोजीशन। क्वेश्चन में पूछा गया है हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ शुभम, ये शुभम है, उसके इमीडिएट राइट में आपका ऋषभ है, ऑप्शन 4 जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विजुअल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, मिरर इमेज बतानी है इस डायग्राम की राइट साइड में क्या बनेगी, तो ऑप्शन से देखेंगे किस डायग्राम में इसकी राइट इमेज है, इसको राइट में पलटेंगे तो कौन से इनके इंडिविजुअल डायग्राम्स की इमेज है जो करेक्ट दी गई है ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन 4 में आपकी दी गई है, तो ये आप ऑप्शन से आसानी से चूज कर सकते हैं करेक्ट जो मिरर इमेज है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक और एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन लेटर एनालॉजी पर बेस्ड है ये, एम एन ओ का जो रिलेशन आर एस टी के साथ है, सेम रिलेशन पर जो है जी एच आई का रिलेशन किसके साथ होगा ऑप्शन में से। एम एन ओ को देखते हैं, एम से आर के लिए हमें प्लस फाइव करना पड़ेगा, एन से एस के लिए प्लस फाइव, और फिर ओ से टी के लिए प्लस फाइव, यानी हर एक लेटर में जो है प्लस फाइव करने पर नेक्स्ट जो है लेटर जो लॉजिक पर बेस्ड है वो मिल रहा है। सेम रिलेशन जी एच आई के साथ देखते हैं, जी में प्लस फाइव करते हैं आपका एल आएगा, एच में प्लस फाइव एम आएगा, और आई में प्लस फाइव जो है एन आएगा, तो एल एम एन आपका ऑप्शन 1 में दिया गया। काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका सिलोगिज्म बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के बेस पर जो है हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ऑल बॉटल्स आर ब्लैक, ये हमने ले लिया बी ओ बॉटल और बी से ब्लैक, सम ब्लैक आर वाइट, कुछ ब्लैक वाइट हैं, पहला कंक्लूजन है ऑल ब्लैक आर बॉटल्स, सभी ब्लैक जो हैं बोटल हैं, तो ये पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये हम फॉलो नहीं करेगा। सम ब्लैक आर नॉट वाइट, कुछ ब्लैक ऐसे हैं जो वाइट नहीं हैं, तो ये भी आपका पॉसिबल हो भी सकता है और नो भी, क्योंकि ये जो कॉमन पार्ट के अलावा जो पार्ट है ब्लैक और वाइट के बीच उसके बारे में हमको कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं करेंगे, तो नाइदर वन नाइदर टू फॉलो, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पैटर्न है यहाँ पर, 62 68 62 50 32 8 -22, सबसे पहले जो है 68 to 62 -6 हुआ है, 62 to 50 -12 हुआ है, फिर आपका 50 to 32 -18 हुआ है, 32 to 8 -24 हुआ है, फिर आपका लास्ट में जो है 8 -22 जो है -30 हुआ है, यानी 6 की जो टेबल है उसमें जो है वो उनका डिफरेंस बढ़ता जा रहा है उसकी फॉर्म में, तो नेक्स्ट जो होना चाहिए वो -36 होना चाहिए, और -22 -36 करेंगे तो -58 आपका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये भी आपका नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या लॉजिक फॉलो हुआ है, 55 42 31 22 15 10 और क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले 55 to 42 -13 हुआ है, 42 to -31 -11, फिर आपका -9 हुआ है जो कि 31 to 22 है, 22 से 15 लाने के लिए -7 करना पड़ेगा, और आपका जो है 15 से 10 लाने के लिए -5 करना पड़ेगा, तो क्या है एक एक के डिफरेंस में जो कम हो रहा है डिफरेंस, पहले -13 हुआ, फिर 11, फिर 9, फिर -7, फिर -5, तो नेक्स्ट जो है आपका -3 होना चाहिए, और अगर हम 10 में से -3 करते हैं तो आपको ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है, 7 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, नंबर्स के पेयर पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो लॉजिक फर्स्ट रो के और सेकंड रो के नंबर्स है उसी लॉजिक के बेस पर थर्ड रो में जो है थर्ड नंबर जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है वहाँ पर बताना क्या आएगा। फर्स्ट रो के नंबर्स को देखते हैं, 80 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो आपका 40 आएगा, 40 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका जो है वो आएगा 160,
सेकंड में चेक करते हैं सेम लॉजिक, 30 को 2 से डिवाइड किया जाए तो आपका जो है 15 आएगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका जो है 60 आएगा। तो लॉजिक आपका सेम है दोनों में, तो आपका कंफर्म है कि लॉजिक आपका बिल्कुल सही है। पहले 2 से डिवाइड करना है पहले नंबर को दूसरे नंबर से, सॉरी पहले नंबर को डिवाइड करके 2 से सेकंड नंबर आएगा, सेकंड नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर आ रहा। ऐसे ही थर्ड रो में देखते हैं, 24 को 2 से डिवाइड करते हैं 12 आता है, नेक्स्ट 12 को 4 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो आएगा 48, और ये आपका दिया गया ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन ये आपका अल्फ़ाबेट सीरीज लेटर सीरीज से रिलेटेड है, डी एफ एच जे एल एन पी आर क्वेश्चन मार्क। डी में अगर प्लस टू किया जाए एफ मिलेगा, एफ में प्लस टू किया जाए एच मिलेगा, एच में प्लस टू किया जाए जे मिलेगा, जे में प्लस टू एल, एल में प्लस टू एन, एन में प्लस टू जो है पी, और आर में पी में प्लस टू आर। तो हर लेटर जो नेक्स्ट लेटर है वो प्लस टू करने पर मिल रहा है पिछले लेटर में, तो क्वेश्चन मार्क में जो आएगा वो आर प्लस टू आएगा, और आर प्लस टू आएगा तो आपका वो टी लेटर आएगा, ऑप्शन टू आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका विजुअल रीजनिंग का जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका हिडन फिगर से रिलेटेड, हिडन या एम्बेडेड फिगर, ये पार्ट बताना है आपको किस फिगर में छुपा हुआ। तो ध्यान से देखेंगे ऑप्शन को तो आपका ये मिलेगा आपको ऑप्शन 3 में फिगर, ये फिगर छुपा हुआ आपका ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन में ये फिगर आपको जो है नहीं मिलेगा। फिर से एक और विजुअल रीजनिंग का क्वेश्चन है फिगर कंप्लीशन से रिलेटेड, क्वेश्चन मार्क पार्ट दिया गया जो उस फिगर को हमने कंप्लीट करना है ताकि पूरा फिगर का पैटर्न सेम बन जाए, एक सेम लॉजिक पर बेस्ड ये बन जाए। तो दो ट्रायंगल दी गई है, एक शेडेड है एक अनशेडेड है, और उनका ऑर्डर देखना आपको। देखिए ऊपर और नीचे जो ये राइट वाले पार्ट है इनमें जो है ट्रायंगल्स का जो ऊपर नीचे सिमिलर पैटर्न है, तो सिमिलर पैटर्न लेफ्ट में भी होना चाहिए। तो सिमिलर पैटर्न है जो जिसमें कि सबसे लेफ्ट साइड में शेडेड है उल्टी हुई ट्रायंगल है, और ऊपर जो है राइट साइड में अनशेडेड ट्रायंगल है, यही सेम पैटर्न अगर देखते हैं हम तो ये ऑप्शन जो है आपका 2 में दिया गया है, बाकी ऑप्शन में ये जो है करेक्ट नहीं पैटर्न है। तो ये पैटर्न जो ऑप्शन 2 का फिगर जो है वो कंप्लीट करेगा फिगर को, पूरे फिगर को, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है वर्ड एनालॉजी पर, गुजरात और गांधीनगर जैसे रिलेटेड है, राजस्थान से क्या रिलेटेड है। देखिए जो गुजरात की कैपिटल है वो गांधीनगर होती है, ऐसे ही राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, ऑप्शन 2 सॉरी ऑप्शन 4 आपका करेक्ट यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कोड लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, एक कोड लैंग्वेज में सनों को लिखा जाता है 21 16 17 25, राइड को लिखा जाता है आपका 20 11 6 और 7, तो सेम लॉजिक पर बेस्ड जो है टेप को क्या लिखा जाएगा। देखिए सनों को ध्यान से देखते हैं, एस का प्लेस वैल्यू होता 19, इसको 21 लिखा गया यानी प्लस 2 हुआ, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है इसको 16 लिखा गया यानी प्लस 2 हुआ, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है प्लस 2 करके आपका 17 आया, W की प्लेस वैल्यू आपके 23 होती है और प्लस 2 करेंगे तो 25 आएगा। यानी इसमें लॉजिक क्या है कि जो प्लेस वैल्यू है लेटर की उसमें प्लस 2 करके नंबर लिखा जा रहा है। सेम चेक करते हैं राइड में, राइड में अगर R की प्लेस वैल्यू देखी जाए तो आपकी 18 होती है, और अगर 18 में प्लस 2 किया जाए तो 20 आता है, I की प्लेस वैल्यू आपकी 9 होती है, 9 में प्लस 2 किया जाए तो 11 आता है, और D की प्लेस वैल्यू आपकी 4 होती है और 4 में प्लस 2 करके 6 आता है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है उसमें 5 में अगर 2 प्लस किया जाए तो 7 आता है। यानी लॉजिक दोनों में सेम है तो आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, सेम पैटर्न यूज करते हैं टेप में, टी की प्लेस वैल्यू जो है वो 20 होती है, 20 प्लस 2 22, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है 1 प्लस 2 3, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है उसमें 2 ऐड करेंगे तो 18 आएगा, और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है उसमें 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 22 3 18 7, ये आपका ऑप्शन 4 में दिया गया। तो आपका सिर्फ सिंपल जो है प्लेस वैल्यू प्लस 2 बेस्ड ये लॉजिक था। नेक्स्ट आपका एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें ओ लॉजी का रिलेशन एग्स से है, माइकोलॉजी का रिलेशन किस के साथ होगा। देखिए ओ लॉजी जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ एग्स, एग्स की जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ओ लॉजी, इसी तरह माइकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फंजाई, ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आपका ये मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन था, वर्ड बेस्ड जो एनालॉजी है उस पर रिलेटेड। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, कंपैरिजन बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसमें ऑर्डर जो है
अलग अलग कद वाले जो हाइट है अलग अलग है, सात फ्रेंड है, हारून, ईमान, जेशन, कीर्ति, लीजा, मोहन और नीति, ठीक है। वो एक अवरोही क्रम में खड़े हैं अपने कद के अनुसार। सबसे ऊंचा व्यक्ति जो है सबसे आगे है और फिर सबसे छोटा व्यक्ति सबसे आखिर में है। तो इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उसके बेस पर हम इनको जो है ऑर्डर में लगाते हैं। हारून लीसा के ठीक पीछे खड़ा है, जो कीर्ति के ठीक पीछे खड़ा है। जो हारून है वो लीसा के पीछे है और वो लीसा है वो लीसा कीर्ति के ठीक पीछे है। यानी क्या ऑर्डर बनेगा इसमें, कीर्ति, लीसा और हारून, ये इस ऑर्डर में खड़े हैं। नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन है, मोहन और नीति के बीच सिर्फ दो व्यक्ति खड़े हैं। अभी इसको देखते हैं बाद में। ईमान जो है वो आगे से दूसरे स्थान पर है। मान लिया आगे से पहला स्थान ये है, फिर ये दूसरा है, इस पे ईमान है, ये आई हो गया ईमान। तीन लोग पहले आ चुके हैं, ये फोर्थ होगा, ये आपका फिफ्थ होगा, ईमान सिक्स, और ये आगे से जो है सबसे टॉप में एक और कैंडिडेट होगा, ये सेवन हो गए आपके। जो मोहन और नीति है उसके बीच सिर्फ दो व्यक्ति हैं। मोहन और नीति के बीच दो व्यक्ति हमने को बैठाने हैं, तो उनके प्लेस क्या होगा, मोहन यहाँ पर आएगा, नीति यहाँ पर आएगी, और मोहन सबसे ऊंचा नहीं है। इन दोनों स्टेटमेंट से क्या आएगा कि नीति बिल्कुल टॉप में आएगी, मोहन यहाँ पर आएगा, तभी दो व्यक्ति आएंगे। बचा हुआ व्यक्ति जेशन है, जो वो यहाँ पर आएगा। ओके, तो ऑर्डर हो गया नीति, ईमान, जेशन, मोहन, फिर आपका कीर्ति और आपका लीशा और हारून, ये आपका ऑर्डर हो गया। पूछा गया है पंक्ति में सबसे आगे कौन खड़ा है, तो नीति खड़ी है, ऑप्शन टू आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये आपका ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एक रो में पांच लोग खड़े हैं जो कि नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं, तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में उनका फेस है, ये ध्यान रखना, इसके आपको जो है लेफ्ट राइट डिसाइड करने में आसानी होगी। एम इज सिटिंग इन वन एंड एंड ओ इज ऑन दी अदर एंड, एम एक एंड पर है, ओ दूसरे एंड पर है। बाकी क्या इन्फॉर्मेशन है, क्यू सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है। देखिए यहाँ से हमें क्या क्ल्यू मिलेगा, एम जब बिल्कुल राइट कॉर्नर पर बैठेगा और ओ बैठेगा इधर, तो तभी एम के जो लेफ्ट में है इमीडिएट लेफ्ट में क्यू बैठ पाएगा। अगर एम को हम लेफ्ट कॉर्नर पर बैठा देंगे तो वहाँ पर हम लेफ्ट में उसके क्यू को नहीं बैठा पाएंगे। तो एम बैठा है बिल्कुल राइट कॉर्नर पर, क्यू उसके जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में, और ओ दूसरे एंड पर बैठा है, तो ओ बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पर है। फिर आपका एन टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, और क्यू जो है इमीडिएट राइट ऑफ पी है, तो पी के इमीडिएट राइट में मीन्स पी यहाँ पर बैठा होगा। बचा हुआ कैंडिडेट मेंबर जो है वो एन यहाँ पर होगा। ऑर्डर हो गया ये आपका ओ एन पी क्यू एम। क्वेश्चन में पूछा गया है हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में थर्ड, वन टू थ्री, क्यू होगा आपका, ऑप्शन वन में ये दिया गया, ओ के राइट में थर्ड क्यू है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, सिलोगिज्म बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। देखते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट को, उसके बेस पर ड्रॉ करते हैं आपका वेन डायग्राम। जो आपकी स्टेटमेंट दी गई है, ऑल टेबल्स आर स्ट्रॉन्ग, सभी टेबल जो है स्ट्रॉन्ग है, ये टी टेबल एस स्ट्रॉन्ग है। नो स्ट्रॉन्ग इज वीक, कोई भी स्ट्रॉन्ग जो है वीक नहीं है, नो का रिलेशन है वीक और स्ट्रॉन्ग में। फर्स्ट कंक्लूजन है नो टेबल्स आर वीक, कोई भी टेबल वीक नहीं है, तो आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के अंदर टी है और स्ट्रॉन्ग के साथ नो रिलेशन है वीक का, तो टेबल के साथ भी नो रिलेशन होगा, नो टेबल आर वीक। सम वीक आर टेबल, कुछ वीक टेबल है, नो का रिलेशन है तो कुछ वीक तो टेबल हो ही नहीं सकते। ओके, तो सिर्फ आपका कंक्लूजन वन फॉलो कर रहा है, और ये आपका दिया है ऑप्शन फोर में, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन फोर आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आज के 8 मई 2023 का जो MTS का पेपर है उसके शिफ्ट टू के ये क्वेश्चन है, और वो हमने सॉल्व कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए जो है आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ पर आपके लिए डेली सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आपको हमारी डेली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।